अगर मैं यहाँ पर एक रेखाखंड बना लूँ तो ये हो गया मेरा एक रेखाखंड, और इसके साथ अगर मैं एक और रेखाखंड यहाँ बना लेता हूँ तो वो हो जाएगा ये। अब ये तो हमें दिख रहा है कि ये वाला रेखाखंड छोटा है और ये वाला बड़ा है, पर ये वाला रेखाखंड कितना बड़ा है, ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि इन दोनों में बराबर तुलना किस प्रकार से होगी? तो उसके लिए समझो मैं यहाँ पर एक और रेखाखंड बनाता हूँ, और समझो मैं कहता हूं कि ये वाला जो इतना सा भाग है वो है एक इकाई, तो इतना जो भाग है वो है एक इकाई। तो अगर हम इसके हिसाब से इसे मापें तो यहां पर देखो तो समझो यहां पर ये एक इकाई हो जाएगी और यहां पर ये एक और इकाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो है 2 इकाइयां। और उसी तरह से अगर हम ये वाली रेखाखंड भी मापें तो यहाँ पर समझो कि ये हो जाएगी 1 इकाई, ये यहाँ हो जाएगी 2 इकाई, और ये यहाँ हो गई 3 इकाई। तो ये वाला जो रेखाखंड है इसकी लंबाई है 3 इकाइयाँ। अब ये जो 1 इकाई है ये कुछ भी हो सकती थी, ये हो सकती थी कि समझो ये हो सकती थी ये इतनी 1 सेंटीमीटर है, या समझो ये एक इतनी 1 इंच हो गई, या फिर यहाँ पे मैं 1 फुट भी बना लेता पर वो इस स्क्रीन पे तो नहीं आएगी, या फिर 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकती थी। तो जब हम एक इकाई क्या है वो स्थापित कर देंगे तो उस हिसाब से हम सारी ऐसी रेखाखंडों की लंबाई जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक विमीय रेखाखंड की लंबाई को पता कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा एक विमीय, जिसे हम अंग्रेजी में 1 डायमेंशनल या 1D भी कहते हैं। तो एक विमीय में हम सिर्फ एक ही दिशा में आगे या पीछे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें 2 दिशाओं में आगे पीछे बढ़ना हो, जैसे कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, तो हमें लेनी होंगी 2 डायमेंशनल आकृतियां, यानी कि वो होंगी 2 विमीय आकृतियां। तो यहां पर मैं एक बना लेता हूं 2 विमीय आकृति, तो ये हो गई मेरी 2 विमीय आकृति जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है। और ये तो दरअसल मैंने यहां एक वर्ग बना लिया है, समझो कि मैं यहां पर एक और वर्ग बना लेता हूं पर इससे थोड़ा सा बड़ा। तो हमें ये तो दिख जाता है कि ये वाला जो वर्ग है वो ये वाले वर्ग से बड़ा ही है, लेकिन कितना बड़ा है वो सवाल फिर से उठेगा। तो यहां पर ठीक पहली बार की तरह ही हमें एक वर्ग इकाई को स्थापित करना होगा। तो चलो मैं यहाँ पर समझो कि ये बना लेता हूँ कि ये है 1 इकाई चौड़ाई और 1 इकाई लंबाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 1-1 इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल माना जाएगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 1 इकाई गुणा 1 इकाई, यानी कि वो हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं कि यह है 1 वर्ग इकाई। तो अब ये वाला जो वर्ग है ये ऐसे कितने वर्ग इकाइयों से बना हुआ है? तो समझो यहाँ पर ये जो मैं देख सकता हूँ, ये अगर मैं कुछ इस तरीके से इसे बांट दूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यह है 1 वर्ग इकाई, इसके बराबर यह है 2री वर्ग इकाई, यह है 3 और यह है 4। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो आकृति है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 4 वर्ग इकाइयाँ। और अब अगर मैं इस वाली आकृति की बात करूँ तो यहाँ पे 1-1 वर्ग इकाई की मैं यहाँ पे समझो ये 1, और अगर इसे मैं 3 भागों में बांट देता हूँ तो यहाँ पर इसे 3 भागों में मैंने बांट दिया है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो तुम देख रहे हो कि 1-1 वर्ग इकाई की यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 वर्ग इकाइयाँ हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो आकृति है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 9 वर्ग इकाइयाँ। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक विमीय और 2 विमीय आकृतियों को माप सकते हैं। तो चलो अब यहाँ थोड़ी जगह बनाकर हम बात करते हैं 3 विमीय आकृतियों की, जिन्हें हम अंग्रेजी में 3D या 3D आकृतियाँ भी कहते हैं। तो यहां पर अब ऐसी आकृतियां आएंगी जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो यहां पर मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि समझो ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, और यहां पर ये हो जाएगी समझो इसकी ऊंचाई। तो इस तरह से हम एक 3 विमीय
आकृति यहां बना सकते हैं। तो मैं जरा इसे पूरा कर लेता हूं, और जब ये बनके यहां तैयार हो रही है तो मुझे दिख रहा है कि ये तो एक घन की तरह लग रही है। ये बन गया हमारा एक घन। अब अगर यहां पर मैं एक और घन बनाऊं और उसे इससे थोड़ा बड़ा बनाऊं, तो वो मैं यहां बना रहा हूं। ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और चलो इसकी ऊंचाई भी बना देते हैं। तो ये जो घन बनेगा वो अब पहले वाले घन से भी यहां पे बड़ा लग रहा है। तो इसे मैं जरा पूरा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा एक घन। तो ये हो गया यहां पर, ये घन पूरा बन गया। अब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो घन है वो इस वाले घन से बड़ा दिख रहा है, या मैं कहूं कि इसमें अगर हम पानी भरें तो वो इससे तो ज्यादा ही संख्या में यहां पर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो आयतन है वो इस घन के आयतन से ज्यादा है। पर कितना ज्यादा है, फिर वही सवाल उठेगा। तो हमें एक घन ऐसा बनाना होगा जो एक घन आयतन को परिभाषित कर दे। तो यहां पर समझो मैं एक छोटा सा घन बना लेता हूं। तो ये हो गई इसकी लंबाई, समझो एक इकाई है, ये इसकी चौड़ाई, ये भी एक इकाई है, और इसकी लंबाई भी एक इकाई ही है। तो जब हम ऐसा एक घन बनाएंगे तो इसमें जो पूरा आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो दरअसल है 1 × 1 × 1, यानी कि ये हो जाएगा एक घन इकाई। तो ये वाला एक ऐसा घन मैंने बनाया है जिसके अंदर एक घन इकाई आयतन आ सकता है। तो यहाँ पे एक घन इकाई हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर एक घन इकाई को इस तरह से भी लिखते हैं कि यह है एक घन इकाई। तो किसी भी तरह से ये जो घन है इसका आयतन है एक घन इकाई। तो अब अगर मैं इसके मुकाबले ये वाले घन में आयतन मापने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या होगा? तो समझो कि यहां पर मैं इसे कुछ इस तरीके से बांट देता हूं कि यहां पर ये जो एक टुकड़ा है ये एक घन इकाई है। मैं जरा यहां इसे पूरा कर लेता हूं कि ये जो घन है ये बना गया है बहुत सारे घनों से जो एक घन इकाई के आयतन के हैं। तो यहां पर मैं उन्हें बना लेता हूं, तो ये हो गए। अब तुम देख रहे हो कि यहां पर जो ये एक घन है ये वाला, इसकी चौड़ाई है एक इकाई, इसकी लंबाई है एक इकाई, और इसकी ऊंचाई भी है एक इकाई। तो ये जो एक घन है इसका आयतन है एक घन इकाई। और इसे कितने घन हमें दिख रहे हैं यहां पर देखो। तो यहां पर जो ऊपर वाली सतह है यहां पर ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार घन है, और ऐसे ही नीचे वाली सतह में भी होंगे 1, 2, 3, और एक पीछे है जो हमें नहीं दिख रहा है वो 4। और तो 4 ऊपर वाली सतह में और 4 नीचे वाली सतह में, तो ये हो जाएंगे कुल 8 घन। या फिर इसे हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे कि यहाँ पे ये जो पूरा जो बड़ा घन है इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इकाइयाँ, इसकी जो लंबाई है वो भी है 2 इकाइयाँ, और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर वो भी है 2 इकाइयाँ। तो इसका जो पूरा आयतन होगा वो होगा चौड़ाई गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 2 × 2 × 2। तो इसका आयतन हो जाएगा कुल 8 घन इकाइयाँ। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसका आयतन मापने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 3 हिस्सों में ज़रा बांट लेता हूँ। तो ये जो एक एक हिस्सा है ये एक घन को यहाँ दर्शा रहा है। मैं ज़रा इसे पूरा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएंगे हमारे बहुत सारे घन हो जाएंगे इस बड़े घन के अंदर। तो ये ज़रा मैं इसे पूरा कर लूँ। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एक आयाम में, हर एक विमेय में तीन तीन घन बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर 1, 2, 3 है, 3 इकाइयाँ हैं। इसकी जो लंबाई है वो भी यहाँ पे 3 इकाइयाँ हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी यहाँ पे 3 इकाइयाँ हैं। तो इसका कुल आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3 × 3 × 3, यानी कि 27 घन इकाइयाँ। या फिर तुम एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते थे, अगर तुम इस ऊपर वाली सतह को देखो तो यहाँ पे कुल 9 घन दिख रहे हैं। ये देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ, तो ये ऊपर वाली सतह में 9 घन है, बीच वाली सतह में भी इसी प्रकार से 9 घन होंगे और नीचे वाली सतह में भी इसी प्रकार से 9 घन होंगे, तो 9 9 9 कुल घन हो जाएंगे यहाँ पे 27। तो ये जो आकृति है इसका कुल आयतन है 27 घन इकाइयाँ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक विमेय में हम किस प्रकार से लंबाई मापते हैं, दो विमेय में हम किस प्रकार से मापते हैं क्षेत्रफल, और तीन विमीय आकृति में हम किस प्रकार से मापते हैं इसका आयतन।